की बात आती है तो आम आदमी पार्टी शायद उस तरह डिफेंड नहीं कर पा रही है अपने नेताओं को जिस तरह करना चाहिए, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि बड़े नेता जेल में हैं। बिल्कुल। और वहीं कुछ और खबरें अपने दर्शकों को बता देते हैं चारुल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि अधिकतर विपक्षी दल भ्रष्टाचार में लीन है। द हिंदू में इसे जगह दी गई है पेज नंबर 4 पर, और वहां पर साफ तौर पर लिखा गया है इंडिया ब्लॉक करप्ट, इट्स लीडर्स इधर इन जेल और आउट ऑन बेल, ये नड्डा ने कहा है। तो जाहिर सी बात है जिस तरह से इंडी गठबंधन को लेकर एक बार फिर से यहाँ पर निशाना साध लिया गया है, जेपी नड्डा ने विपक्ष पर ये निशाना साधा है और हमेशा इंडी गठबंधन को लेकर हमलावर रहती है बीजेपी, और अधिकतर विपक्षी दल भ्रष्टाचार में लीन है। हिंदू में इस बात को अगर कह दिया गया है तो आप ये समझिए कि जो एकजुटता की बात कही जाती थी इंडी गठबंधन की, वो अब सबके सामने है। खासतौर से जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बात को तमिलनाडु के अरियालूर और चिदम्बरम में चुनाव प्रचार के दौरान द्रमुक और कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने ये भी कहा है कि द्रमुक का मतलब वंशवाद है, धन की ठगी है, और कट्टा यहाँ पर जो है ये पंचायत, कट्टा पंचायत यहाँ पर है। तो ये तमाम ऐसे आरोप है चारुल जो कि लगाए गए हैं, और हिंदू में इस खबर को बिल्कुल देखिए हम दिखा भी रहे हैं, इंडिया ब्लॉक करप्ट इट्स लीडर इधर इन जेल और आउट ऑन बेल सेज नड्डा। ये बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से कहा गया है कि या तो जेल में है या फिर बेल पर है, ये जेपी नड्डा ने कहा है। हम ये दिखा भी रहे हैं कि द हिंदू ने इसे एक दिखाने की कोशिश की है और विपक्ष के लिए एक नैरेटिव बीजेपी कह ले या फिर एनडीए कह ले एक सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से। देखिए ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि कई ऐसे विपक्ष के बड़े चेहरे हैं जो कि बेल पर बाहर हैं, और ये चीजें चुनाव में चाहती है बीजेपी कि वो जनता को पता चले, जनता को याद आए कि कैसे ये बड़े चेहरे हैं जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप है, और जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप है वो कितना बड़ा मुद्दा हो सकता है गीतू आपकी नजर में, क्योंकि प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को तो जेल पहुंचा देंगे 4 जून के बाद। बिल्कुल। और चारों हम ये देख रहे हैं चुनावी मुद्दों में इस बार जो बड़ा मुद्दा है वो है भ्रष्टाचार का, क्योंकि लगातार ये जो पूरा सिलसिलेवार तरीके से देख रहे हैं सबकी गिरफ्तारी हो रही है। आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करते हैं वो भी इंडी ब्लॉक का हिस्सा है, और कुल मिलाकर अगर हम ममता बनर्जी के नेतृत्व की बात करते हैं तो हमने देखा वेस्ट बंगाल में किस तरह से वहां पर जो पूरा मुद्दा था वो भी छाया हुआ था। अगर तमाम मुद्दों की बात करते हैं संदेश खाली को लेकर भी, तो यानी कुल कर आप भ्रष्ट हैं, आप किसी को न्याय नहीं दे सकते हैं, और खासतौर से आम आदमी पार्टी की जो हालिया गिरफ्तारी हुई है सीएम अरविंद केजरीवाल की, उससे भ्रष्टाचार का मुद्दा और ज्यादा उजागर हो गया है। और हम ये भी देखते हैं चारुल की अगर कोई भी मुद्दा बीजेपी को मिलता है वो तुरंत उस मुद्दे को उठाती है, और कुछ ऐसा ही इस बार भी हुआ है। तो भ्रष्टाचार इस वक्त एक बड़ा मुद्दा बन चुका है क्योंकि तमाम गिरफ्तारियां जो हमने हाल फिलहाल देखी वो भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई थी, शराब घोटाले से जुड़ी हुई थी, या तमाम घोटाले जो हैं जो कि इंडी ब्लॉक के जो दल है वो करते हुए हमें दिखाई दिए। तो अब ये माना जाए कि इस बार ये भ्रष्टाचार का मुद्दा काफी हावी रहेगा और लोगों की समझ में भी अब ये बात आने लगी है। और बीजेपी हर मुद्दे को कैश करना बहुत अच्छी तरह से जानती है, और इसीलिए देखिए आम आदमी पार्टी के मुद्दे पर बीजेपी किस तरह से हमलावर है। कट्टर ईमानदार जो पार्टी खुद को बोल रही थी, आज उसी के नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है, और इस बात को बीजेपी बहुत अच्छी तरह से इनकैश कर रही है, एक नैरेटिव सेट कर दिया है नड्डा ने भी, प्रधानमंत्री मोदी ने भी, कि इनके नेता या तो जेल में है या फिर बेल पर बाहर है। बिल्कुल। और वहीं बेरोजगारी के मुद्दे पर भी अगर हम बात करते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे की, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने निशाना साधा है चारुल, और बीजेपी सरकार पर उन्होंने ये कुछ बातें कही हैं अमर उजाला में, इसे प्रमुखता से जगह दी गई है पेज 11 पर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी द्वारा थोपी गई बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, 2 करोड़ नौकरियों की गारंटी बुरे सपने की तरह है, ये खड़गे ने कहा है। और उन्होंने दावा किया कि युवा रोजगार पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और देश जनसांख्यिकी दुस्वप्न का सामना कर रहा है। तो खड़गे ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया है चारुल, और यहाँ पर साफ तौर पर अमर उजाला ने इस खबर को दिखाया है। तो नौकरियों को लेकर अब ये देखिए कांग्रेस की तरफ से सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। बिल्कुल देखिए ये खबर है अमर उजाला ने इसे प्रमुखता से छापा है, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष
और उन्होंने कहा है कि 2 करोड़ नौकरियों की गारंटी बुरे सपने की तरह है। यानी बीजेपी का जो रोजगार का मुद्दा है और बीजेपी जिस मुद्दे को लगातार ये कह रही है कि रोजगार हमने दिया है, आज युवाओं के पास तमाम तरह के करियर ऑप्शंस हैं, ये सारे दावे जो हैं